दोस्तों आज हम बात करेंगे कैनन 1300D और निकॉन D3500 के बीच में आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। जो निकॉन का D3500 कैमरा है वो निकॉन ने रिसेंटली अनाउंस किया है, ऑल्दो इसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में। हालांकि मैंने एक वीडियो भी किया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे कहीं प्लेस कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। D3500 और D3400 में सिर्फ दो ही मेजर डिफरेंसेस हैं, एक तो है साइज़ का। जो D3500 की साइज़ है वो सिमिलर हो गई है अब D5600 की साइज़ में। क्या हुआ है कि और ज़्यादा कम्पैक्ट कर दिया है निकॉन ने, थोड़ा सा लाइट वेट भी कर दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है D3500 का वो है कि बैटरी लाइफ 1200 शॉट कैपेबल था सिंगल चार्ज में D3400, अब जो D3500 1500 शॉट खींचता है। तो यही दो मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करेंगे इमेज क्वालिटी की और इमेज प्रोसेसर की, तो D3400 हो या D3500 दोनों में सेम इमेज प्रोसेसर लगे हैं। मैं ये डिफरेंसेस शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो कोई भी कैमरा लें, D3400 D3500 इमेज क्वालिटी सेम मिलनी है। तो इस कंपैरिजन को आप कंसीडर ऐसे भी कर सकते हैं कि D3400 वर्सेस 1300D या D3500 वर्सेस 1300D, क्योंकि जो D3400 और D3500 है मोर ओवर मिरर है एक दूसरे के, डिस्पाइट ऑफ हैविंग द मेजर डिफरेंस इन द बैटरी लाइफ। अब हम बिगिन करते हैं ये दो कैमरे के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है D3500 वर्सेस 1300D। 1300D का जो APS-C सेंसर है वो है 18 मेगापिक्सल का। 18 मेगापिक्सल का सेंसर होते हुए भी आपको जो ISO स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 12800 की। अगर हम दूसरी साइड में देखें निकॉन D3500 में, तो उसमें आपको 24 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है और उसी समय आपको ISO स्पीड भी मिल रही है 25600 की। इन जनरल ये देखा जाता है कि मान लीजिए किसी सेंसर, क्योंकि सेंसर का साइज मोर ओवर सेम है, दोनों ही APS-C फॉर्मेट से बिलोंग करते हैं, तो इन जनरल ये देखा जाता है कि अगर रेजोल्यूशन लो है तो आपको हाई ISO स्पीड और मिलती है तो कैमरे में, और आपको ISO लेवल 1 स्टॉप 2 स्टॉप अप मिलता है अगर कोई कंपनी लोअर रेजोल्यूशन का प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो। बट चूंकि ये 1300D जो है कैनन के ओल्ड सेंसर पे बेस्ड कैमरा है, तो जो ISO स्पीड है इसकी लिमिटेड है मात्र 12800 तक, क्योंकि D3500 में एक नया सेंसर लगा हुआ है जो कि ऑफकोर्स कैनन 1300D के सेंसर से नया है। तो उसमें आपको ISO स्पीड जो है वो डिस्पाइट ऑफ हैविंग हायर रेजोल्यूशन कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर, दैट इज़ फ्रॉम 18 to 24 रेजोल्यूशन जंप तो है ही, प्लस आपको ISO स्पीड में भी जंप मिल रहा है। अगर ये दोनों चीज़ को हम अलग भी कर दें तो लो पास फिल्टर की अगर हम बात करें, तो निकॉन के हर एक कैमरे में लो पास फिल्टर नहीं रहता है। उससे एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलती है कि जो डिटेल ऑफ इमेजेस रहती है वो हायर हो जाती है कंपेयर टू ए कैमरा जिसके अंदर लो पास फिल्टर प्रेजेंट है। आपको ये समझना है कि जिस कैमरे के अंदर लो पास फिल्टर नहीं है वो ज़्यादा अच्छा खींचता है कंपेयर टू जिसके अंदर है। तो जो कैनन का 1300D कैमरा है उसके अंदर लो पास फिल्टर है, और जो D3500 है या D3400 कैमरा या निकॉन के कोई भी DSLR को अभी आप पिक कर लीजिए, किसी के अंदर लो पास फिल्टर नहीं रहती है। तो जो इमेज की डिटेल्स होती हैं अगर आप 100% स्केल पर कंपेयर करेंगे 1300D वर्सेस निकॉन D3400 या D3500, तो आपको निकॉन के अंदर स्लाइटली बेटर डिटेल्स में, ऐसे नहीं कि कोई ड्रामेटिकली बेटर डिटेल्स मिलने वाली, बट यस देर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ द इमेजेस। सो यहाँ पे एडवांटेज ये हमें दिख रही है कि जो निकॉन है वो एक तो रेजोल्यूशन ज़्यादा दे रहा है, जैसे स्पीड ज़्यादा दे रहा है, दूसरा इसके अंदर लो पास फिल्टर भी नहीं, इससे हमको स्लाइटली डिटेल्स जो है ज़्यादा मिलने वाली है। अब हम वीडियो की बात करते हैं। वीडियो में 30 FPS का डिफरेंस है, दोनों ही फुल HD वीडियो खींचते हैं, लेकिन निकॉन जो है वो 60 FPS पे फुल HD वीडियो खींच रहा है और कैनन का 1300D लिमिटेड है 30 FPS पे। अगर आप ओकेजनली स्लो मोशन वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं तो निकॉन स्लाइटली आपको बेटर स्पेस देगा 30 एक्स्ट्रा फ्रेम्स के साथ फुल HD मोड में। बात करते हैं ऑटो फोकसिंग सिस्टम की, तो जो निकॉन है वो 11 पॉइंट ऑटो फोकसिंग सिस्टम देता है, फेस डिटेक्ट ऑटो फोकसिंग सिस्टम। दोनों ही जो कैमरे हैं वो हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग का मतलब कि अगर आप लाइव व्यू के थ्रू शूट कर रहे हैं, कैमरे की स्क्रीन देख के अगर आप फोटो खींच रहे हैं या वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो उस समय आपको कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकसिंग सिस्टम यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिड AF सेंसर दोनों में ही नहीं लगे हुए हैं। और अगर आप व्यू फाइंडर के थ्रू शूट करते हैं तभी फेस डिटेक्ट ऑटो फोकसिंग सेंसर और AF मॉड्यूल एक्टिव रहेगा
और उस समय आपको 9 पॉइंट ऑटो फोकसिंग सिस्टम की सपोर्ट मिलेगी 1300D में और 11 पॉइंट ऑटो फोकसिंग सिस्टम की सपोर्ट मिलेगी निकॉन के D3500 या D3400 कैमरे में। तो मेरा ये कहना है कि चूँकि निकॉन थोड़ा ज़्यादा ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहा है अपने फेज एफ मॉड्यूल के साथ, तो निकॉन AF सिस्टम में भी स्लाइटली बेटर है कम्पेयर टू कैनन, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्रास्ट बेस्ड सेंसर है और दोनों ही कैमरे यूज़ करते हैं फेज एफ मॉड्यूल जब आप उनके व्यू फाइंडर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफरेंस ऑटो फोकसिंग सिस्टम में। अब हम बात करते हैं साइज़ एंड वेट की। तो जो निकॉन का कैमरा है स्लाइटली स्मॉलर है जो नया वाला D3500 कैमरा है, प्लस वेट भी हल्का सा कम है। आप स्पेसिफिकेशंस में देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा नीचे उसका लिंक डिटेल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन की, प्लस जो बैटरी लाइफ है निकॉन की। अब जैसे 1300D की बैटरी लाइफ लिमिटेड है 500 शॉट्स तक ही, और जो निकॉन है वो 1500 शॉट्स आपको दे रहा है अपने D3500 कैमरे के साथ, और अगर आप D3400 कैमरा खरीदते हैं तो उसमें 1200 शॉट्स आपको मिलते हैं। मोर ओवर अगर आप निकॉन का कैमरा सेलेक्ट करते हैं तो आपको निकॉन में ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलती है कंपेयर टू कैनन। तो हमने बात की सेंसर की, हमने बात की वीडियो की, हमने बात की ऑटो फोकसिंग सिस्टम की, हमने बात की डिज़ाइन की, प्लस हमने ये भी बात किया कि किसमें बैटरी लाइफ आपको ज़्यादा मिल रही है। तो हर एक चीज़ में निकॉन ही ज़्यादा आपको दे रहा है एक एंट्री लेवल DSLR में अगर आप कंपेयर करते हैं तो। तो आज के इस कंपैरिजन जो निकॉन D3500 कैमरा वर्सेस 1300D आप कहें D3400 कैमरा वर्सेस 1300D का जो ये कंपैरिजन है, तो इसमें आपको क्लियर कट ये पता चल चुका है कि निकॉन D3500 कैमरा एक बेटर ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू 1300D कैमरा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक इमेज कंपैरिजन भी किया है अपने साइट पर जिसमें JPEG कंपैरिजन भी है, रॉ कंपैरिजन भी है। सो आप देख सकते हैं कि आप का जो निकॉन D3500 कैमरा है उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है कम्पेयर टू कैनन 1300D। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप इन दो कैमरे के बीच में सोच रहे हैं कौन सा कैमरा लेना है तो आप निकॉन D3500 कैमरे के साथ जाइए या D3400 कैमरे के साथ जाइए। कैनन का 1300D नहीं उतना अच्छा है कंपेरिजन टू निकॉन्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। Thank you for watching this video and do subscribe us if you are new here and give us a like. Thank you very much.